नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में, जिसमें हम तमाम डॉक्टर्स से मुलाकात करते हैं और हर एक बीमारी में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के इलाज संभव है, कैसे आपकी डाइट होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पराग संचेती, जो कि ऑर्थो सर्जन है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। आप ऑर्थो सर्जन हैं, कई ऐसे लोग आपके पास पहुंचे होंगे जिन्होंने रिप्लेसमेंट कराए होंगे, ट्रीटमेंट कराया होगा। ऑर्थो सर्जन से लोग घबराते हैं, डरते हैं, कई सालों साल घुटनों के दर्द होते रहते हैं, हड्डियां दर्द होती रहती है, लेकिन लोग बचते हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक कैसे करें, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ, तो ये आपकी बात बहुत सही है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से मरीज डरता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक और सर्जन का काम क्या है, सर्जरी करना। तो उनकी एक ऐसी एक इमेज हो गई है ऑर्थोपेडिक सर्जन की, वो सिर्फ सर्जरी करते हैं। इसीलिए कोई भी अगर मरीज ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है तो उसके पहले उसको माइंड में आता है कि सर्जरी लगेगी, पर ये बिल्कुल गलत है। 80% ऑफ कंडीशन विच आर रिलेटेड टू आर्थराइटिस, विच आर रिलेटेड टू नी पेन, बैक पेन, कैन बी मैनेज्ड विदाउट सर्जरी। ये मैं पहले कहना चाहूंगा। और दूसरी बात जो आप पूछे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम का प्रभाव जो होता है, जो उनका एक वर्किंग पैटर्न है, वो बढ़ रहा है, उनके मरीज बढ़ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्स बढ़ रहे हैं, हाईवेज अपने यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक पैटर्न ऑफ वर्क है, टाइप ऑफ वर्क है, आजकल हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज काफी बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक सिटिंग वर्क ज्यादा है, इसलिए बैक पेन, नेक पेन है, और एल्डरली पेशेंट्स में नी पेन और घुटने का दर्द बहुत ज्यादा हम देखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए, जब पेन होता है, चाहे वो घुटनों में हो, चाहे कहीं भी हड्डी में हो, कमर में हो या फिर शोल्डर में हो, तो इसके कारण क्या होते हैं और इसके उपचार क्या है, क्या इसका इलाज है? जी जी, तो घुटने का जो पेन होता है, दैट पेन इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो वो एज रिलेटेड होगा, जैसे 50, 55 के बाद हड्डी घिसने लगती है और उसमें आर्थराइटिस होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। दूसरा जो है कि घुटने की इंजरी की वजह से पेन होता है, कि घुटना, कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त घुटना ट्विस्ट हो जाता है, हम गिर जाते हैं, या कभी कुछ इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से घुटने के अंदर जो मिनिस्कस होता है उसमें टेयर हो सकता है, लिगामेंट है उसमें टेयर हो सकता है, एंड कार्टिलेज इंजरी हो सकती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नी पेन, वन इज एज रिलेटेड डीजनरेटिव, जो उसको हम संधिवात बोलते हैं, और दूसरा इंजरी की वजह से, जिसमें मिनिस्कस टेयर, ACL टेयर और कार्टिलेज इंजरी हो सकती है। बिल्कुल, और इसके अलावा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, देखिए हमने आजकल बहुत देखा है कि लोग जब थक हार जाते हैं तो नी रिप्लेसमेंट करा देते हैं। कई बार ये बहुत महंगा भी होता है, लेकिन कई बार होता है कि ये बहुत पेनफुल भी हो जाता है जब आप ध्यान नहीं रखते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं आम भाषा में? जी, नी रिप्लेसमेंट यानी हम उसमें नया जॉइंट डालते हैं, जो घुटना है वो बदलते हैं। उसकी जरूरत कब पड़ती है ये पहले समझना चाहिए। ऐसे नहीं है कि घुटने का दर्द हुआ, घुटने में आर्थराइटिस हो गया और नी बदलना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। चार स्टेजेस होते हैं हड्डी के, घुटने के, आर्थराइटिस के। स्टेज वन जो शुरुआत होती है, स्टेज टू हड्डी घिसने लगती है, स्टेज थ्री थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मिटी, व्यंगत्व आता है, और स्टेज फोर यानी पूरा डिफॉर्मिटी आता है। तो जब स्टेज फोर में जाते, जब घुटने काफी टेढ़े हो जाते, पेन बहुत अनबेरेबल होता है, उसी टाइम नी रिप्लेसमेंट लगता है। फर्स्ट थ्री स्टेजेस हम बिना नी रिप्लेसमेंट यानी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, फुटवेयर मॉडिफिकेशन, नी ब्रेसेस, इससे मैनेज कर सकते हैं। यानी नी रिप्लेसमेंट जो है वो एक लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिससे आप अपने घुटनों का पेन जो है वो वेरी राइटली सेड, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, और उसके पहले बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे हम घुटने का दर्द घला सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, देखिए आज के लाइफस्टाइल के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड हम खाते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, घंटों हम लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, कभी हमें सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है, कभी शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, कई बार हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं।
क्या हमारा लाइफस्टाइल जो बदल रहा है, ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारी हड्डियों में लगातार एक दर्द बना रहता है जिसको हम बहुत लंबे समय के लिए इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल 100% ये सही है कि आज के लाइफस्टाइल की वजह से काफी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हम देख रहे हैं। खास करके आजकल हम देखते हैं कि एक आईटी प्रोफेशन हो रहा है और इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। लॉन्ग टर्म बैठने की वजह से बैक पेन, नेक पेन ये होता है। हम बैठ के हमेशा टाइप करते हैं, कुछ हाथ से काम करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सर्वाइकल पेन बढ़ गया है, राइटर्स क्रैम्प या हाथ में दर्द होना बढ़ गया है। कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें एक यहाँ नस दब जाती है, उसकी वजह से पेन बढ़ गया है। बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए ये भी देखा गया है कि महिलाओं में जो बैक पेन की समस्या है वो बहुत ज्यादा होती है, जो घुटनों की समस्या है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या ऐसा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हड्डियां ज्यादा कमजोर होती है या तेजी के साथ वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। खास करके नी पेन ये महिलाओं में ज्यादा है, 1:4 यानी 4 महिलाओं को आर्थराइटिस होता है, उसके साथ एक पुरुष को, 1 male person gets affected with knee osteoarthritis। इसका reasons काफी है कि post menopausal यानी 50-55 के बाद जो hormonal changes body में होते हैं, estrogen progesterone changes होते हैं, उसकी वजह से हड्डी घिस जाती है ज्यादा, और उसके साथ साथ osteoporosis यानी हड्डी में जो calcium होता है उसका प्रमाण बहुत कम हो जाता है, and osteoporosis is also much more in the female population। ये हम कई बार देखते हैं। बैक पेन आप देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा है फीमेल्स में, मेल्स में भी है पर थोड़े कम मात्रा में है, बट नी पेन इज डेफिनेटली मच मोर, एंड ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का जो वीकनेस होता है, कैल्शियम गल जाता है, वो भी महिलाओं में बहुत ज्यादा है। डॉक्टर पराग, अगर एज फैक्टर की हम बात करें, क्या कोई एज फैक्टर है कि इस एज के बाद जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो? एज एक फैक्टर ये है, और जनरली 45-50 ये एज तक एक बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है, मसल का एक स्ट्रक्चर है, वो काफी उसमें मेंटेन्ड होता है। 50-55 के बाद सार्कोपिनिया यानी जो मसल्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं, हड्डी से कैल्शियम गलने लगता है और बॉडी में एक कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, तो ये 55 के बाद हम ज्यादा देखते हैं, और इसका रीजन है हार्मोनल चेंजेस। और यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक टेस्ट जो होते हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये करने चाहिए। खास करके कुछ ब्लड टेस्ट है जी। उसमें हीमोग्राम, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस प्रोफाइल, B12, D3 ये जांच करना चाहिए। उसके साथ साथ डेक्सा स्कैन, जिसमें हमें समझता है कि बोन में कैल्शियम कितना है, उसकी जांच होनी चाहिए, और एक्सरेज, एक कमर का एक्सरे और घुटने का एक्सरे ये करा लेना चाहिए। इसकी वजह से अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन होके हम ये प्रॉब्लम जो है नी पेन, बैक पेन, ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसके अलावा देखिए ये कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करिए, आपको कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि और भी रिसोर्सेज हैं जिससे आप कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे आप कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हैं, हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है, और कैल्शियम के अलावा हमें और डाइट पर कैसा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहें? एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। फूड इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द बोन एंड जॉइंट हेल्थ। उसमें कैल्शियम के लिए हम देखते हैं कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स वो लेने चाहिए, पनीर लेना चाहिए, टोफू, उसमें सिट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट करते हैं, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ और आई गेट माई कैल्शियम थ्रू वेजिटेरियन डाइट, बट नॉन वेजिटेरियंस में थोड़े सोर्सेज ज्यादा है, जैसे कुछ एग्स में हम देखते हैं कि कैल्शियम का प्रमाण ज्यादा है, प्रोटीन्स भी ज्यादा है। तो ये फूड हमने ज्यादा लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, तो प्लस उसके साथ ड्राई फ्रूट्स यानी एलमंड्स, कैल्शियम उसमें एलमंड्स में, पिस्ता में ज्यादा मात्रा में होता है। इम्पोर्टेंट इज कि 50-55 के बाद प्रोटीन इंटेक भी हमको साथ साथ बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए मैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए बिल्कुल
इंसिस्ट करता हूँ मेरे पेशेंट्स को, क्योंकि कैल्शियम भी हमको 2000 ग्राम्स का कैल्शियम, 2 ग्राम्स का कैल्शियम डेली लगता है, 1 ग्राम से भी ज्यादा, और वो सिर्फ डाइट में हमको नहीं मिल सकता है। इसके लिए वी हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स आते हैं 500 मिलीग्राम्स के, और उसके साथ साथ विटामिन डी। विटामिन डी ये हमको सूर्य किरणों से मिलता है, तो वो सूर्य किरण आजकल हमको ज्यादा हम नहीं ले पाते हैं, इसके लिए वी शुड ऑल्सो टेक सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी सूरज के अलावा और उसका सोर्स ज्यादा फूड में है नहीं। तो कैल्शियम और विटामिन डी के टैबलेट्स डाइट के साथ आप 50 के बाद लेना ही लेना है। आपने कहा कि कुछ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपने पूछा कि और क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज से क्या होता है कि एक जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में बढ़ता है, और वो ब्लड कैल्शियम बोन को प्रोवाइड करता है, इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 3 टाइप के एक्सरसाइज मैं हमेशा कहता हूँ, 1 इज एरोबिक एक्सरसाइजेस, उसमें हम साइकिलिंग कर सकते हैं, चलने का एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2nd इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, जिसमें योगा हम कर सकते हैं, और 3rd है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग जो है कि मध्यम मात्रा में, बहुत हैवी नहीं करना चाहिए। तो ये 3 एक्सरसाइजेस मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये करने से आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, योगा, स्ट्रेंथ, वेट्स और एंड्योरेंस के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस। डॉक्टर, हम लगातार बात कर रहे हैं हड्डियों के दर्द पर, घुटनों के दर्द पर, हड्डियां कैसे मजबूत हो, इस पर विटामिन डी का आपने जिक्र किया है। विटामिन डी का सोर्स सिर्फ सन है, तो कैसे विटामिन डी हमें मिल पाए, क्योंकि आज की लाइफ में हम देख रहे हैं कि हम ऑफिस चले जाते हैं, लोग निकलते नहीं हैं, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि लोग आलसी हो गए हैं। जी, तो जैसे मैंने बोला अभी कि विटामिन डी ये हमको सिर्फ सूरज या सन से ही मिलता है, तो हम नहीं जा पाते, और मॉर्निंग में हम 9 to 11 का जो सूर्य किरण का प्रकाश है, दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट, बट देन इफ यू कैनॉट डू इट, देन सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम अगर पेट से हमको अब्सॉर्ब करना है बॉडी में, ब्लड में और बोन्स में, तो उसको विटामिन डी के साथ चाहिए। इवन इफ यू टेक लॉट्स ऑफ कैल्शियम बट यू डोंट टेक विटामिन डी विद इट, वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, इसलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ये आपको लेने ही चाहिए। उसमें सैचेट्स आते हैं, हफ्ते में एक सैचेट या एक गोली भी अभी आती है, वंस इन अ वीक यू कैन टेक दैट टैबलेट ऑफ 60,000 यूनिट्स एंड दैट इज सफिशिएंट। ठीक है सर, नी रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे, नी रिप्लेसमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नी रिप्लेसमेंट कैसे की जाती है, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे। जी, जैसे नी रिप्लेसमेंट मैंने बोला कि दैट इज वन ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, उसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं एज द लास्ट ऑप्शन। तो इसमें देयर आर 3 joints, 3 bones व्हिच फॉर्म द जॉइंट, जो घुटने का जॉइंट है वो फीमर बोन के नीचे वाले हिस्से से, टिबिया बोन के ऊपर वाले हिस्से से, और नी कैप यानी पटेला, ये इससे नी जॉइंट बनता है। तो इसमें हम फीमर यानी जो थाई बोन का नीचे का हिस्सा है वो कट करते हैं, जो लेग बोन टिबिया का ऊपर का हिस्सा कट करते हैं, और पटेला का अंदर जो नी कैप का भाग है वो कट करते हैं, और उसमें नया जॉइंट सीमेंट के द्वारा लगाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी डू इन द नी रिप्लेसमेंट। जो आर्थराइटिक जॉइंट है, जो हड्डी पूरी घिस गई है टिबिया की, फीमर की और नी कैप पटेला की, वो निकाल के उसमें आर्टिफिशियल जॉइंट डालते हैं। वो एक अलॉय होता है 316L का टाइटेनियम अलॉय और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, उसका एक आर्टिकुलेशन होता है और इसी से नी रिप्लेसमेंट होता है। और जो आर्थराइटिस का बोन है वो पूरा निकल के आर्टिफिशियल जॉइंट वहां क्रिएट करते हैं, तो बोन पूरी तरह चला जाता है, बोन का जो पेन है वो पूरी तरह चला जाता है। सर, इस सर्जरी के फैक्टर्स क्या है? इस सर्जरी के फैक्टर्स क्या है? सक्सेस फैक्टर्स यू मीन? जी जी जी, रिस्क फैक्टर भी और सक्सेस फैक्टर भी, दोनों जानना जरूरी हो जाता है। जी जी जी, तो इसमें 2 चीज है। एक तो पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। कभी कभी कुछ घुटने में अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन हो तो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर। कभी कभी वेरी ओबेज, मॉर्बिडली ओबेज पेशेंट्स, जिनमें यू नो 40 के आगे BMI होता है, जो बॉडी मास इंडेक्स, उनमें थोड़ा रिस्क हो सकता है। उसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स बहुत ही वीक है, कैल्शियम पूरा गल गया है, तो उसमें ये रिस्क हो सकता है। और
जो साथ में हम बोलते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज, जनरली ये सर्जरी 60 के बाद होती है, तो पेशेंट्स को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कोई कार्डियक इश्यूज, किसी का एंजियोप्लास्टी है, किसी का यू नो बाईपास सर्जरी हुआ है, तो इन लोगों में ऑपरेशन की रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है. सो दीज आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स वन हैज टू बी केयरफुल व्हाइल डूइंग अ नी रिप्लेसमेंट. और ज्यादा अगर रिस्क फैक्टर्स है तो हम लोग आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट दोनों घुटने के करते हैं, जो हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं. तो ऐसे मरीजों में फिर एट अ टाइम हम वन रिप्लेसमेंट करते हैं कि एक घुटना बदल के 3 या 4 हफ्ते बाद फिर दूसरा. सो दीज आर द वेरियस रिस्क फैक्टर्स व्हिच आई टोल्ड यू. बिल्कुल. और इसके अलावा सर्जरी से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सर्जरी से अगर आपको डायबिटीज है मरीज को, तो हम उसकी जो HbA1c लेवल है वो मेजर करना चाहिए. वो लेवल करीब 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए. अगर हाइपरटेंशन है तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना चाहिए ऑपरेशन के टाइम. साथ साथ कुछ ब्लड थिनर की दवाई हम लेते हैं खून पतली होने की, जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिटैब है, तो ये दवाई ऑपरेशन से 5 या 7 दिन पहले बंद करनी चाहिए. प्रीहैबिलिटेशन, जैसे रिहैब, हम सबको पता है कि फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन के साथ साथ प्रीहैबिलिटेशन यानी ऑपरेशन के पहले ही प्रीहैब एक्सरसाइजेस मरीज को सिखाया जाता है, तो प्रीहैबिलिटेशन ये करना बहुत जरूरी है. और ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है उसका एक काउंसलिंग पेशेंट को, मरीज को बताना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन के बाद 1 दिन तक हम उनको सुला के रखते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही 12 घंटे बाद पेशेंट को चलाते हैं, पहले कुछ दिन तक वॉकर या स्टिक से चलाते हैं, 12वें या 15वें दिन पे स्टिच खुल जाते हैं, आफ्टर विच ही कैन हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ. हॉस्पिटल स्टे भी आजकल बहुत कम हो गया है, 2 दिन में मरीज घर जा सकता है और फिर स्टिच रिमूवल के लिए सिर्फ वो. ठीक है, ये तो बात हो गई डॉक्टर की सर्जरी से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन सर्जरी के बाद भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. कब तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, कितने साल लग जाते हैं इसे ठीक होने में, रिकवर होने में, क्योंकि मेडिसिन आप नहीं छोड़ सकते. सो ऑपरेशन के बबाद रिकवर होने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि 12-15 दिन तक स्टिच खुल जाते हैं, बाद में वॉकर और स्टिक सपोर्ट चला जाता है. स्टार्टिंग 3 वीक्स को आपको थोड़ा सा डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, किसी का सपोर्ट घर में चाहिए, बट 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आप खुद का काम खुद कर सकते हैं. मैं मरीजों को 4-व्हीलर यानी गाड़ी चलाने की परमिशन 2 महीने में देता हूँ, अगर 2-व्हीलर स्कूटी या कुछ चलाना है तो वो भी 2.5 महीने में वो खुद का खुद वो चला सकते हैं एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंट लाइफ. जो मरीज ऑफिस जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो 1 मंथ 3 वीक्स to 1 मंथ लीव इज इनफ, आफ्टर विच दे कैन स्टार्ट ऑफिस वर्क. बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा देखिए सर्जरी का जिक्र हमने किया है, नी रिप्लेसमेंट का जिक्र हमने कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हमारी हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं, तो इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पता करें कि हमारी हड्डियाँ कमजोर हैं? पेन हो रहा है, हल्का पेन हो रहा है, हम पेन किलर ले लेते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, दवाइयां ले आते हैं, खा लेते हैं, दर्द खत्म, हम भूल जाते हैं. तो ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है. टू फाइंड आउट कि अपनी हड्डियां कमजोर हो रही है, देयर आर 2 वेज, 2 तरीके. एक तो जैसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं, आजकल जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें काफी अवेयरनेस है, साल में एक बार वो ECG, 2D को स्ट्रेस टेस्ट करा लेते हैं, वैसे ही बोन एंड जॉइंट चेकअप साल में एक बार करना चाहिए. उसमें खास करके डेक्सा स्कैन, जिसमें कैल्शियम का प्रमाण हड्डी में कितना है वो समझ में आता है, ब्लड टेस्ट, यूरिक एसिड, B12, D3 वो करना चाहिए, और डॉक्टर से एक पूरा चेकअप नी जॉइंट और खास करके स्पाइन का करवा लेना चाहिए एक्सरे के द्वारा. सो दीज आर द प्रिवेंटिव टेस्ट लाइक वी डू फॉर कार्डियक, वी शुड डू फॉर बोन एंड जॉइंट ऑल्सो. 50-55 के बाद तो ये करना बहुत ही जरूरी है, एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन ले लेना चाहिए और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ये लेना ही चाहिए. बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज हों चाहे वो रूरल एरियाज हों, वहाँ पर जो कैल्शियम की गोलियाँ हैं वो खुद से खरीद के खाने लग जाते हैं, ये कितनी हानिकारक हो सकती है अगर बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हम खा रहे हैं तो? पेन किलर हमारी हड्डियों पर कितना इफेक्ट डालती है? तो पहले मैं पेन किलर्स का बताऊंगा. बिल्कुल पेन किलर जो बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में लेना बहुत ही हानिकारक है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स.
पेन किलर गोली जो हम लेते हैं उससे क्या हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, पेट में अल्सर्स हो सकते हैं, लिवर में किडनी में डैमेज हो सकता है और काफी उसमें फिर डिपेंडेंस हो जाता है. पर आई ऑलवेज से दैट कि बियॉन्ड अ सर्टन लेवल 3 महीना 6 महीने के बाद पेन किलर लेना नहीं चाहिए. तो क्या करना चाहिए, तो फिजियोथेरेपी और कुछ इंजेक्शंस भी हम घुटने में दे सकते हैं, उससे पेन कम हो सकता है. तो पेन किलर जो NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेना ये काफी साइड इफेक्ट्स कर जा सकता है. बिल्कुल डॉक्टर, इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानने की कोशिश कर रही थी कि कैल्शियम की जो गोली है, विटामिन हो कैल्शियम हो, इसकी गोली हम खा रहे हैं लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्या ये सही है लॉन्ग टाइम के लिए? यस. सो कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में हाइपर विटामिनोसिस डी, यानी विटामिन डी कभी कभी हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो हो सकता है. उसके वजह से कुछ फटीगनेस, हेडेक, ये सिम्टम्स आ सकते हैं. और कभी कभी कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो कुछ मरीजों में एक किडनी स्टोन फॉर्मेशन की एक टेंडेंसी होती है, किडनी स्टोन्स जो बोलते हैं हम. तो ये खास करके अगर कोई मरीज को ये टेंडेंसी है तो उनमें कैल्शियम फिर कम मात्रा में देना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो कैल्सिट्रियोल एक मेडिसिन आता है कैल्शियम का एक है, वो उसमें अवॉइड करना चाहिए. बट वेरी वेरी रेयरली हम लोग देखते हैं कि ज्यादा कैल्शियम देने से साइड इफेक्ट होते हैं, वेरी रेयर. उल्टा होता है कि कैल्शियम हमेशा कम ही मिलता है. बट एज अपोज टू पेन किलर के साइड इफेक्ट्स एसिडिटी, पेट में दर्द, ये बहुत हम देखते हैं. बट कैल्शियम एक्सेस डोज में देना, दिस इज नॉट वेरी वेरी कॉमन. बिल्कुल. इसके अलावा सर देखिए, घुटनों की तो हमने बात कर ली है, नी रिप्लेसमेंट की बात कर ली है, लेकिन आजकल लोगों के कमर में और शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कई बार लोगों को सर्वाइकल भी हो जाता है, इसका स्टार्टिंग में भी मैंने जिक्र किया है, तो क्या सर्वाइकल के पेन को हम हड्डियों से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज सर्वाइकल पेन जो है वो दो कारण से है. एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो हड्डी में जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है हमारे गर्दन के, उसमें गैप कम हो जाता है और नस जो होती है सर्वाइकल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वो दब जाती है और हाथ में पेन आ जाता है. तो दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द बोन्स. और उसके बाजू में मसल्स होते हैं, कई बार ये जो सारे मसल्स है, ट्रेपीजियस मसल्स है, वो भी कई स्पैजम में जाके मस्कुलर पेन भी ये हो सकता है. जो नॉर्मल कर्वेचर होता है सर्वाइकल का वो सी शेप में होता है, पर कई बार बिकॉज ऑफ द मसल स्पैजम वो गर्दन सीधी हो जाती है और वो कर्वेचर सीधा हो जाता है और उसकी वजह से नेक पेन, गर्दन का दर्द हो सकता है. और इसके अलावा जो हमारी कमर में दर्द होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि महिलाओं में तो चलिए ठीक है, बहुत कॉमन होता है ये, कई बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसकी वजह से भी कमर में पेन होता है, फिर प्रेगनेंसी के बाद से भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो सारी चीजें समझ में आती है. लेकिन पुरुषों में भी आजकल देखा गया है कि कमर पे जो पेन है वो बहुत ज्यादा कमर का बढ़ चुका है. तो कमर के दर्द के देयर आर टू मेन रीजंस. एक तो जो एक स्लिप डिस्क होता है कि L1 to L5, ये 5 वर्टिब्रे में L3, L4, L5, L5S1, ये जो डिस्क है ये बहुत ज्यादा मात्रा में स्लिप होके नर्व रूट में प्रेशर देके सायटिका होता है. सो दैट इज स्लिप डिस्क इज अ वेरी कॉमन कॉज. सेकंड इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कमर में कैल्शियम कम होने से कमर की हड्डी दबती है और उसकी वजह से पेन हो सकता है. एंड द थर्ड कॉज इज बिकॉज ऑफ द मसल्स अराउंड द लंबर वर्टिब्रा, तो वो मसल स्पैजम में जाके जो क्रॉनिक लंबैगो हम बोलते हैं उसकी वजह से पेन हो सकता है. एंड द लास्ट इज पोस्चर, जो हमारी बैठने की एक स्टाइल है, एक पोस्चर है, कई बार हम एक स्लाउच पोस्चर ले लेते हैं, उसकी वजह से भी पोस्चरल बैकएक इज वेरी वेरी कॉमन. बिल्कुल. इसके अलावा देखिए, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगी कि एक खास मैसेज अगर आपको दर्शकों को देना चाहें तो. जी. सो अभी तक हमने काफी चर्चा की, हमने देखा कि ऑर्थोपेडिक में नी पेन, बैक पेन क्यों होता है, नेक पेन क्यों होता है, हमने देखा कि इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात की. जाने के पहले मैं आपको सबको एक कुछ मैसेज देना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ये जो सारी चीजें है, ऑस्टियोपोरोसिस, नी पेन, बैक पेन, पोस्टरल पेन, ये सारा प्रिवेंटेबल है. सो
अगर आपको कोई घुटने में दर्द चालू होता है, कोई बैक पेन चालू होता है, तो डोंट सिट ऑन इट, उसका कंसल्टेशन लो, उसका इलाज करो और उसको स्टेज वन में ही, फर्स्ट स्टेज में ही रोको, बहुत ज्यादा दिन ना हो ताकि आगे जाके तकलीफ ना हो ज्यादा और बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से पहले उसे डिटेन कर ले और डॉक्टर के पास जाइए, फिजियोथेरेपी के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, कंसल्ट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया था सर, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी चीज है, आपने जिक्र किया इसका और बताया भी कि किस तरह से आप पेन पे रिलैक्स पा सकते हैं, लेकिन योगा से आप कितना ज्यादा अपनी हड्डियों को, अपने पोस्चर्स को ठीक कर सकते हैं, ये भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आजकल लोग बहुत बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि योगा इज इम्पोर्टेंट, बॉडी एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ कुछ योगा पोस्चर्स जो है, खास करके हम पद्मासन या वज्रासन करते हैं तो उसमें नी का फ्लेक्शन पूरा हो जाता है, तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। तो योगा करना चाहिए, पर कोई एक्सट्रीम पोजिशन से शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन से नेक पेन हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड देन डू दिस पोस्चर्स, बट बाय एंड लार्ज योगा करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं मानता हूँ। बट इफ एनी योगा पोस्चर इज इंक्रीजिंग योर पेन, कॉजिंग यू लॉट ऑफ डिसकम्फर्ट, देन वो आप नहीं करना, ये मैं मानता हूँ। बट ओवरऑल योगा इज एन एक्सलेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड थेरेपी एंड आई रिकमेंड इट वेरी स्ट्रॉन्गली। बिल्कुल डॉक्टर पराग, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज के लाइफस्टाइल को किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से बदलाव यहाँ पर चाहेंगे, और आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा ये एक ही सजेशन है कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल इज वेरी मच डैमेजिंग टू योर बोन एंड जॉइंट। आप हमेशा कंप्यूटर के सामने डेस्क जॉब पे बैठ के नहीं रहना, बी एक्टिव, आप वीकेंड्स पे कोई आउटडोर एक्टिविटीज करो, स्पोर्ट्स करो, डेली एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करो, दो दिन कार्डियक एक्सरसाइजेस, जैसे हम एरोबिक एक्सरसाइजेस, दो दिन योगा और दो दिन स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज करो। सो आई विल एडवाइज द यंगस्टर्स टुडे, डोंट हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिलीव इन आउटडोर एक्टिविटीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैव अ बैलेंस्ड डाइट, विटामिन डी, कैल्शियम, B12 ये आपके डाइट में होना ही चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज टू हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। आई स्ट्रांगली बिलीव इन द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड हैविंग अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ टू बी स्ट्रेस फ्री, व्हिच डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। बिल्कुल डॉक्टर पराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। तो डॉक्टर पराग हमारे साथ जुड़े थे, और तो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बखूबी बताया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियां मिली होंगी, ऐसे में आप भी अपनी हड्डियों का बखूबी ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1।